हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 5। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिल जाते हैं, ठीक। यानी वो अपने आप वहां पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती उनके लिए, वो हमें अर्थ क्रस्ट से अपने आप मिल जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, यानी उससे हम मेटल को आसानी से निकाल लेते हैं प्रॉफिट के साथ। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। तो अगर अब हम मिनरल्स को डिफाइन करना चाहें तो उसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। इसी टाइप से अगर हम ओर्स को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। तो मेटल्स जो होते हैं जब वो हमें अर्थ सरफेस से मिलते हैं नेचुरली, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं या फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, उनके साथ खूब सारी इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो फिर इन इम्प्योरिटीज को दूर करना पड़ता है हमें, ठीक है, ताकि उस कंपाउंड से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो जब कोई इम्प्योर मेटल खूब सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता है और उसके बाद हमें जब प्योर मेटल मिल जाता है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, यानी हर मेटल की अपनी कैपेसिटी होती है इम्प्योरिटीज या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन हो जाते हैं या और एलिमेंट्स के साथ आसानी से कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उतना नहीं कंबाइन होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटल्स ही अलग अलग रिएक्टिविटी के हैं, हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी है दूसरों के साथ कंबाइन होने की, तो इसका मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी फिर अलग अलग प्रोसेस यूज करने पड़ते होंगे, ठीक। तो इसलिए अलग अलग टाइप के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, ठीक है। तो मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है और फिर उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक। तो जैसे जितने भी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड यूज किया जाएगा, इसी टाइप से जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उनके लिए कोई और तरीका यूज किया जाएगा, और इसी टाइप से जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनके लिए कोई और प्रोसेस यूज किया जाएगा उनके ओर से उन्हें निकालने के लिए। तो एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल्स को हम तीन टाइप से कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हो गया मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, दूसरा हो गया मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और तीसरा हो गया मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक। तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अटेनमेंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है वो रिएक्टिविटी पे बेस्ड होता है। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, दस मेटल्स आर कैटेगराइज्ड एज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए इस टाइप से एक फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें हम हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस चीज को समझेंगे इसमें, ठीक। तो सबसे ऊपर लिखा है हमने ओर, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी रिएक्टिविटी का मेटल हो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका ओर, ठीक है। तो ओर के बाद लिखा है यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, तो इसका मतलब ओर के बाद हमें उसका कंसेंट्रेशन करना है। कंसेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उस ओर की सफाई करनी है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो पहले हम जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको साफ कर लेते हैं, ठीक। उसके लिए भी खूब सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज वाटर से ही रिमूव हो जाती हैं, कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करके हटती हैं, कुछ के लिए हमें फ्लोटेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो वो चीजें अभी आपके डिटेल में नहीं है, उसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। तो हम आगे प्रोसेस को देखते हैं। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर तक तो स्टेप्स जो होंगे वो सेम रहेंगे हर टाइप के रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, चाहे वो हाई रिएक्टिविटी का हो, लो रिएक्टिविटी का हो या मीडियम रिएक्टिविटी का हो। हम सबसे पहले ओर लेंगे, फिर उसका कंसेंट्रेशन करेंगे,
उसके बाद इन अलग अलग रिएक्टिविटीज के मेटल्स के लिए हम अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यहाँ पे लिखा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी की। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओर होता है उसको हम मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, यानी हम उसको पिघला देते हैं, ठीक, और फिर उस पिघलाए हुए ओर का हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर, ठीक, और फिर उस मॉल्टन ओर से हमने प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक। तो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए हमेशा यही प्रोसेस होगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की, तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं इनके ओर जो होते हैं दो टाइप से मिलते हैं हमें, ठीक है। एक होता है इसका कार्बोनेट ओर और एक होता है सल्फाइड ओर, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें दो टाइप के ओर्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ठीक, थोड़े से इसमें चेंजेस आएंगे, ठीक। तो जो कार्बोनेट ओर होता है, पहले तो ये समझते हैं कार्बोनेट ओर होता क्या है, ठीक। तो कोई भी ओर किसी मेटल का जिसमें कार्बोनेट एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोनेट ओर कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी मेटल के साथ कार्बोनेट भी प्रेजेंट है तो उसको हम कार्बोनेट ओर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिसको हम CaCO3 लिखते हैं, तो CO3 जो है वो कार्बोनेट है जो कि Ca के साथ प्रेजेंट है, यानी कैल्शियम के साथ प्रेजेंट है। तो अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो हमें इसमें से CO3 हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास सिर्फ Ca बचेगा यानी कैल्शियम बचेगा, तब जाके हमें प्योर मेटल मिलेगा। तो किसी भी मेटल का ऐसा ओर जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोनेट ओर बोलते हैं। इसी टाइप से अगर बात करें सल्फाइड ओर की, तो किसी भी मेटल का वो ओर जिसमें सल्फर भी प्रेजेंट हो एज एन इम्प्योरिटी, या फिर ऐसा कह लो किसी मेटल के साथ साथ में सल्फर भी प्रेजेंट है, तो उसको हम सल्फाइड ओर बोलते हैं, ठीक। तो अब अगर हमारे पास एक ही मेटल के दो दो ओर हैं, तो उनके लिए अब हमें थोड़े से प्रोसेस जो है वो अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर प्रेजेंट है किसी मेटल का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन, ठीक, और अगर सल्फाइड ओर प्रेजेंट है किसी मेटल का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रोस्टिंग, ठीक। तो अब बात करते हैं कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को हीट करते हैं बिना एयर की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन, और अगर किसी चीज को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो यहां पे हम कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हैं बिना एयर की प्रेजेंस में, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कैल्सिनेशन। यहां पे सल्फाइड ओर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसलिए हम उसे कह रहे हैं रोस्टिंग, ठीक है। जब कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन हो जाए और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग हो जाए, तो उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो हम इसके बाद करवाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो जो भी हमें यहां से मिला हम उसको चेंज करते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल में, यानी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे हम, ठीक। तो उसके बाद करते हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल। तो इससे पहले हमें मिला था मेटल ऑक्साइड, तो उसमें से हम ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो ऑक्सीजन को हटा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा मेटल में, तो उसी को कह रहे हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल। तो अब जो हमें मेटल मिला उसमें भी अभी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, ठीक है, थीके? तो उसको प्योर करने के लिए हम लास्ट प्रोसेस जो इसमें फॉलो करते हैं वो करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इसी टाइप से अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की, तो जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के होते हैं उनमें वैसे भी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, और जो होती हैं वो सल्फर की फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए जो इसके ओर्स होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक। तो सल्फाइड ओर होते हैं, तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि सल्फाइड ओर का हम करवाते हैं रोस्टिंग, तो हमने करवाई इसकी रोस्टिंग, ठीक है। अब इसकी रोस्टिंग करवाई तो उसके बाद ये मेटल में चेंज होगा, और जब वो मेटल में चेंज हो जाएगा तो हम लास्ट में उसकी रिफाइनिंग कर लेंगे, ठीक। तो आपको ये हमेशा फ्लो चार्ट ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास हाई रिएक्टिविटी का मेटल होगा तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज करना है, मीडियम रिएक्टिविटी का होगा तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज करना है, उसमें भी अगर एक कार्बोनेट ओर है तो उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करना है, और सल्फाइड ओर है तो क्या प्रोसेस यूज करना है, वो ध्यान रखना है आपको। इसी टाइप से जो लो रिएक्टिविटी का होगा उसके लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं वो ध्यान रखना है। तो अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो लो रिएक्टिविटी का है, हाई रिएक्टिविटी का है, या फिर मीडियम रिएक्टिविटी का है, इसको कैटेगराइज किस टाइप से करते हैं, मतलब कैसे पहचानना है कि ये मेटल लो रिएक्टिविटी का है या हाई रिएक्टिविटी का।
तो हमने इससे पहले पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ठीक। तो उसमें एल्यूमिनियम तक जितने भी मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम के बाद कॉपर तक जितने मेटल्स हैं वो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, और उसके बाद जितने मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, ठीक। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा मेटल लो रिएक्टिविटी का है, कौन सा हाई रिएक्टिविटी का है, और कौन सा मीडियम रिएक्टिविटी का है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की। तो हमें पता है कि जितने भी लो रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मरकरी की, जो कि खुद भी लो रिएक्टिविटी का मेटल है, तो इसका मतलब ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक। तो यहाँ पे ये सल्फाइड के साथ मिक्स होके मिल रहा है, ठीक। और हमें पता है कि जब भी सल्फाइड ओर की फॉर्म में कोई भी हमें ओर मिलेगा तो हम उसका करवाते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो हमने क्या करवाया, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, ठीक। और हमें ये भी पता है उसके बाद क्या होता है, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और फिर हम उस मेटल ऑक्साइड का करवाते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए भी हम प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो मेटल ऑक्साइड में ये चेंज हुआ उसको हमने कर दिया हीट, तो वो वहां से हमें मेटल मिल गया, और जो मेटल मिल जाता है फिर उसका हम फर्दर करते हैं प्योरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2HgS था, ठीक है, जो कि सल्फाइड ओर की फॉर्म में है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे हमने लिखा +3O2, ठीक, यानी हम करवा रहे हैं इसका रोस्टिंग। अब हमने इसको हीट कर दिया, तो हमने जब इसको हीट किया तो ये बना 2HgO+2SO2, ठीक है। तो यहाँ पे 2HgO जो है वो मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक। अब यही मेटल ऑक्साइड हमें चाहिए, इसका हमें कोई काम नहीं। तो हमने ये 2HgO को फिर फर्दर हीट किया, यानी अब हम इसको रिडक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड बन गया, हमें ये O नहीं चाहिए, हमें सिर्फ Hg चाहिए। तो हमने इसको हीट करवाया, हीट कराने पे ये O जो है ऑक्सीजन की फॉर्म में इससे हट गई, ठीक है, और बचा यहाँ पे सिर्फ Hg। तो हमें मिल गया 2HgO2। अब हमें जो मेटल मिला है इसको हम फर्दर प्योर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, तो उसके लिए हम फिर से प्रोसेस यूज करेंगे और उसको प्योरिफाई कर लेंगे, ठीक। तो इसी टाइप से हम इसमें कॉपर का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक। तो कॉपर भी हमें सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेगा, तो उसका भी हम करवाएंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग करवाने पे मिलेगा मेटल ऑक्साइड, और फिर उस मेटल ऑक्साइड का हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन, ठीक है, और उससे हमें मेटल मिल जाएगा। फिर हम उस मेटल का फर्दर प्योरिफिकेशन करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। तो हमारी रिएक्शन जो हो गई वो हो गया 2Cu2S+3O2 ऑन हीटिंग गिव्स 2Cu2O+2SO2। के बाद जो हमारे पास ये ऑक्साइड बना मेटल का, उसको हम मेटल में चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 2Cu2O जो कि मेटल ऑक्साइड है +Cu2S जो कि हमने यहीं से यूज कर लिया, फिर से उसको हमने कर दिया हीट। हीट करने पे मिल गया हमें 6Cu+SO2, तो हमें क्या चाहिए था, कॉपर, वो हमें यहाँ मिल गया, SO2 इससे रिलीज हो जाएगी। और इसके बाद ये जो मिला हमें मेटल, इसमें भी अभी इम्प्योरिटीज होंगी, इसको भी हम फर्दर आगे फिर प्योरिफाई कर लेंगे। तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की। तो हमें पता है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनके ओर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्बोनेट ओर और एक होता है सल्फाइड ओर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं जिंक का, तो यहाँ पे जिंक के भी दो ओर होंगे, तो यहाँ पे जिंक का एक ओर होगा जिंक सल्फाइड और दूसरा ओर होगा जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सल्फाइड ओर है उसके लिए हम रोस्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, तो हम इसका करवा लेंगे रोस्टिंग, ठीक है। और जो इसका कार्बोनेट ओर है उसका हमें पता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन का प्रोसेस, तो हम इसका करवा लेंगे कैल्सिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग करवाने पे हमें ये रिएक्शन मिलेगी, ठीक। तो 2ZnS+3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2ZnO+3SO2, ठीक है। तो हमें पता है कि जब रोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा ओर था वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ZnS था वो ZnO में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसी टाइप से हमें पता है कि जब हम कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करवाएंगे तो उससे भी मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा हमें, ठीक। तो यहाँ पे हमने जब ZnCO3 को हीट किया तो बना ZnO+CO2, ठीक है। तो हमारे पास इधर भी ZnO मिला, इधर भी ZnO मिला, बाकी ये SO2 गैस है इधर भी और इधर CO2 भी गैस है, ये लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया जिंक के दो अलग अलग ओर्स का कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है।
अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है दोनों के लिए वो सिमिलर होता है, ठीक। अब यहां से भी हमें मेटल ऑक्साइड मिला है और यहां से भी मेटल ऑक्साइड मिला है, तो इस मेटल ऑक्साइड को अब हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं यानी इसमें से हमें ये ऑक्सीजन को हटाना है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसका रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम उस एलिमेंट को यूज करेंगे ये ऑक्सीजन हटाने के लिए जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। यानी ऐसा एलिमेंट हम ढूंढेंगे जिसको ऑक्सीजन की जरूरत जिंक से ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कार्बन, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन इससे ये ऑक्सीजन छीन लेगा, ठीक है, और यहाँ ये मेटल हो जाएगा अकेला, यानी जिंक हमें मिल जाएगा यहाँ पे और साथ में बन जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो इस टाइप से हमें जिंक मेटल मिल जाएगा, ठीक। तो अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी जिसको हम आगे फर्दर प्योरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन यूज किया, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की दोस्ती होती है वो कार्बन से ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है एज कम्पेयर टू जिंक, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ जाना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू जिंक, तो ये क्या करेगा आसानी से कार्बन के साथ चला जाएगा, ठीक। तो अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो कार्बन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा होती है, कार्बन हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन जिंक, तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ चला जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने कार्बन यूज किया, लेकिन कई जगह पे क्या होता है कार्बन भी काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जो इस ऑक्सीजन के साथ वहां पे मेटल होता है वो कार्बन से भी ज्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती रखता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कार्बन की जगह ऐसा मेटल या एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो ऑक्सीजन के साथ उस मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी दोस्ती रखता हो, जो भी यहाँ पे होगा उस ऑक्सीजन के साथ मेटल, तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी दोस्ती रखता होगा जो मेटल या एलिमेंट, वो हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैंगनीज ऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहें तो वो कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंगनीज है वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है, यानी मैंगनीज की ज्यादा अच्छी दोस्ती है ऑक्सीजन के साथ एज कम्पेयर टू कार्बन। तो हम यहाँ पे ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसकी ज्यादा गहरी दोस्ती हो ऑक्सीजन के साथ एज कम्पेयर टू मैंगनीज, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसलिए एल्यूमिनियम, ठीक। तो जो अब रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 3MnO2 + 4Al gives 3Mn + 2Al2O3 + हीट, ठीक है। तो यहाँ पे Mn जो हमारा मेटल मैंगनीज मेटल वो हमें मिल गया अलग, और साथ में इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया और साथ में बहुत ज्यादा हीट भी इसमें लिबरेट होती है, और ये रिएक्शन जो होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक। इसी टाइप से अगर हम आयरन को उसके ओर से अलग करना चाहें तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कार्बन की जगह एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो हम बात कर रहे थे आयरन जो होगा वो ज्यादा इफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसलिए हम कार्बन की जगह उससे ज्यादा एफिनिटी रखने वाले मेटल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन से भी ज्यादा एफिनिटी रखता है वो है एल्यूमिनियम, तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज कर लिया ताकि हम आसानी से ऑक्सीजन को इससे हटा लें, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो बनेगी Fe2O3 + 2Al gives 2Fe + Al2O3 + हीट, ठीक। और ये जो रिएक्शन होती है इसी का यूज करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, या फिर जितने भी ब्रोकन मेटल्स होते हैं उनको भी जोड़ने में हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन को हम इसलिए थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करें वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।